अटलांटिक महासागर में सालों पहले डूबे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए पानी में गई पनडुब्बी अभी भी लापता है। इस पनडुब्बी में एक पायलट समेत 4 टूरिस्ट सवार हैं और इस पनडुब्बी में अभी कुछ ही देर का ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऐसे में इस पनडुब्बी को लेकर एक्सपर्ट ने चौंकाने वाला दावा किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पनडुब्बी कहीं भूत जाल में तो नहीं फंस गई है। जी हाँ, पिछले 4 दिनों से इस पनडुब्बी का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। पनडुब्बी के लापता होने के बाद से अमेरिका और कनाडा की नेवी अटलांटिक समुद्र में पनडुब्बी की खाक छान रही है। अमेरिका और कनाडा की नेवी सेना के अलावा निजी कंपनियां भी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि सभी इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि आखिर टाइटैनिक जहाज के मलबे के रास्ते में जहाज का संपर्क टूटा कैसे। दुनिया के टॉप टाइटैनिक विशेषज्ञों में से एक टिम माल्टन ने सुझाव देते हुए कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि पनडुब्बी ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज के मलबे में फंस गई हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक माल्टन ने बताया है कि टाइटैनिक का आर्क अच्छी स्थिति में है और वो समुद्र तल पर मौजूद है, लेकिन जहाज का पिछला हिस्सा इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है जैसे कि उस पर किसी ने बम से हमला कर दिया हो। माल्टिन ने बताया है कि स्टर्न लगभग एक कबाड़ खाने की तरह है, जहां आपको केवल क्रेन के टुकड़े, फटे हुए धातु के टुकड़े, बहुत सी चीजें मिलती हैं जिन पर आप समरसेबल को रोक सकते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यहां ड्रैग नेट मिलते हैं जो वास्तव में मछली पकड़ने वाले जहाजों को तोड़ देते हैं। माल्टिन ने बताया है कि जहाज या कोई भी बड़ी चीजें अंततः टाइटैनिक के बिखरे हुए मलबे में फंस जाते हैं और उन्हें ही भूत जाल कहा जाता है, जिसमें शायद ये पनडुब्बी फंस चुकी है। और ये संभव है कि पनडुब्बी इस भूत जालों में से किसी एक में फंसी हुई हो। बचाव कर्मियों द्वारा सुनी जा रही धमाकेदार आवाजों पर भी माल्टिन ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि समय, खोज और बचाव के लिए बहुत सारी सामग्री मौजूद है। उस क्षेत्र में बहुत सारी कमर्शियल शिपिंग भी है, इसलिए मैं धमाके की आवाजों के लिए बहुत अधिक फिलहाल विचार नहीं रखता हूँ। चूंकि जहाज में लगभग 20 घंटे तक की ऑक्सीजन बची हुई है और खोज में सहायता के लिए अधिक जहाज उत्तरी अटलांटिक में पहुंच रहे हैं, माल्टिन को चिंता है कि क्या बचाव दल लगभग 4000 मीटर नीचे समुद्र तल पर पनडुब्बी तक पहुंचने में सक्षम होंगे। आपको बता दें कि ये पूरी पनडुब्बी चारों ओर से नट बोल्ट से सील है ताकि किसी भी तरह से पानी उसके अंदर नहीं जाने पाए। यही वजह है कि उसमें बैठे लोग उसे खोल नहीं सकते हैं। ऐसे में उसे सतह पर लाकर ही लोगों को निकाला जा सकता है। बुधवार को अमेरिकी कोस्ट गार्ड कप्तान जेमी फेडरिक ने दावा किया कि पनडुब्बी से लोगों की आवाज आ रही है और इस आवाज का विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिले हैं। अब इस बीच